नमस्कार, मैं डॉक्टर नमिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मनी एंड इट्स फंक्शंस, यानी मुद्रा एवं उसके कार्य। तो सबसे पहले जानते हैं कि मुद्रा है क्या। मनी इज एनी गुड दैट इज वाइडली यूज एंड एक्सेप्टेड इन ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यदि भी हम सभी लोग मुद्रा से भली भांति परिचित हैं और यह हमारे जीवन में आर्थिक व्यवहारों को बराबर संचालित करती रहती है, फिर भी मुद्रा को निश्चित रूप से परिभाषित करना खासा कठिन है। मुद्रा वह है जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और लेन देन में स्वीकार किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को माल तथा सेवाओं का हस्तांतरण शामिल होता है। मनी अ कमोडिटी एक्सेप्टेड बाई जनरल कंसेंट एंड एज अ मीडियम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज, यानी मुद्रा आर्थिक विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य सहमति द्वारा स्वीकार की जाने वाली वस्तु है। मुद्रा की इतनी अधिक और इतनी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं कि उनमें से किसी एक निश्चयात्मक एवं सटीक परिभाषा खोज पाना बहुत मुश्किल है। फिर परिभाषाओं के आधार भी भिन्न भिन्न रहे हैं। इन कारणों से उनकी प्रकृति के अनुसार उनकी परिभाषाओं को वर्गीकृत किया जाता है। तो जब हम काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ मनी की बात करते हैं तो इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला है डेफिनेशंस बेस्ड ऑन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव और फंक्शनल डेफिनेशंस, यानी वर्णात्मक परिभाषाएं। तीसरा है लीगल डेफिनेशंस, यानी वैधानिक परिभाषाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशंस बेस्ड ऑन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू केन्स, मनी इटसेल्फ इज दैट बाय डिलीवरी ऑफ व्हिच डेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्चार्ज एंड इन द शेप ऑफ व्हिच इज स्टोर ऑफ जनरल परचेजिंग पावर इज हेल्ड। यानी कि मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा ऋण संविदा तथा मूल्य संविदा का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशंस। यानी मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के मूल्य तथा अन्य व्यापारिक दायित्वों के भुगतान में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। अकॉर्डिंग टू पिगू, इन ऑर्डर ऑफ एनीथिंग टू बी क्लास्ड एज मनी इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फेयरली वाइडली एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, विच मीन्स दैट अ गुड नंबर ऑफ पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट इन पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई देम। यानी मुद्रा कहलाने के लिए किसी भी वस्तु का विस्तृत क्षेत्र में विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकृत होना आवश्यक है, जिसका अर्थ यह है कि भारी संख्या में लोग उसे वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिप्टिव और फंक्शनल डेफिनेशंस, यानी वर्णात्मक परिभाषाएं। अकॉर्डिंग टू क्रोथर, मनी can be defined as anything that is generally acceptable as a means of exchange, as a means of settling debts, and that at the same time acts as measure and as a store of value. यानी मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकृत हो, साथ ही जो मूल्य मापक तथा मूल्य संचय का कार्य करती हो। According to Harley Withers, money is what money does. यानि कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। तीसरी डेफिनेशन में अगर हम जाएं, according to Colburn, money may be defined as the means of valuation and of payment. यानि मुद्रा को मूल्य मापन तथा भुगतान का साधन माना है। मुद्रा को क्रय शक्ति के रूप में देखते हैं। कोई भी वस्तु जिससे अन्य वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं वह मुद्रा है।
अब हम बात करते हैं लीगल डेफिनेशंस की। अकॉर्डिंग टू हॉटरे, मनी इज यूज्ड इन टू मेन फॉर्म्स। वन इज द यूनिट ऑफ अकाउंट एंड सेकेंडली इट इज लॉ एक्सेप्टेबल। मुद्रा की परिभाषाओं के तीसरे वर्ग में वैधानिक परिभाषाएं आती हैं जो मुद्रा के राज्य सिद्धांत पर आधारित हैं। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना था कि मुद्रा केवल उसी वस्तु को कह सकते हैं जिसके पीछे राज की मान्यता भी हो। इस वर्ग के प्रमुख परिभाषाकार नैप तथा हॉटरे हैं। नैप के अनुसार मुद्रा राजकीय नियमों की सृष्टि है। इस प्रकार कोई वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। नैप ने मुद्रा की स्वीकृति के आधार राज्य की शक्ति को मान लिया है, जबकि वास्तविकता यह है कि मुद्रा की सर्वग्राह्यता जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। जर्मनी में 1923 के अतिस्फीति काल में मार्क वैधानिक मुद्रा तो थी, किंतु जनता ने इसे स्वीकार करना बंद कर दिया था। नैप की त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए हॉटरे ने मुद्रा को इस प्रकार परिभाषित किया है, एक तो यह हिसाब की इकाई है और दूसरे यह विधि ग्राह्य भी है। हॉटरे ने अपनी परिभाषा में मुद्रा के मूल्य मापक कार्य को भी शामिल किया है, परंतु इसमें और नैप की परिभाषा में कोई विशेष अंतर नहीं है। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी यानी मुद्रा के कार्य पर। फंक्शंस ऑफ मनी कैन बी मेनली कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शंस, सेकंड इज सेकेंडरी फंक्शन, थर्ड इज कंटिंजेंट फंक्शंस। आधुनिक आर्थिक जीवन में मुद्रा को केंद्रीय महत्व प्राप्त है। मुद्रा ने ही आर्थिक विकास को संभव बनाया है। वर्तमान समाज में मुद्रा इतने अधिक कार्य संपन्न करती है कि मुद्रा के सभी कार्यों को उल्लेख कर पाना कठिन है। आज मुद्रा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। सामान्यतः मुद्रा के चार प्रमुख कार्य हैं, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, स्थगित भुगतानों का मान और मूल्य का संचय। इसके अलावा भी मुद्रा के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए किनले ने मुद्रा को तीन वर्गों में विभाजित किया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी की। इसमें सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट मींस दैट मनी कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अ बायर कैन बाय गुड्स थ्रू मनी एंड अ सेलर कैन सेल गुड्स फॉर मनी। सो इट इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। मेजर ऑफ वैल्यू, its second function is measure of value. Money serves as a measure of value, the value of all goods and services expressed in terms of money. To sabse pehle hum baat karte hain medium of exchange ki. Mudra ko vinimay ka madhyam mana jata hai. Mudra ka yah karya mudra ke mukhya karyon mein aata hai, kyunki mudra mein kray shakti aur grahyata hai. Is karan woh saralta purvak vinimay ka madhyam ban jati hai. Madhyam ke roop mein mudra ne vinimay ki एक प्रमुख कठिनाई दोहरे संयोग के अभाव को खत्म कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे द्वारा प्रस्तुत वस्तु लेने पर सहमत हो जाए तो उसे दोहरा संयोग हो जाएगा। अब यदि इन वस्तुओं में से एक वस्तु मुद्रा है तो दोहरे संयोग की स्थापना में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मुद्रा में सर्व स्वीकृति है और उसके प्रयोग के द्वारा बाजार की कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है। इस प्रकार माध्यम के रूप में कार्यशील होकर मुद्रा क्रेता और विक्रेता में सरलता से संपर्क स्थापित करती है और संभावित विनिमयकर्ताओं को यह सरलता से मिलाती है। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा का दूसरा प्रमुख कार्य वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की माप करना है, क्योंकि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य मुद्रा के रूप में ही व्यक्त किए जाते हैं, इसलिए मुद्रा को मूल्य का मापक कहा जाता है। जिस प्रकार मीटर से कपड़े की लंबाई, लीटर से द्रव्य का आयतन और किलोग्राम से वजन की नाप की जाती है, उसी प्रकार मुद्रा द्वारा वस्तुओं का मूल्य आंका जाता है।
मूल्य मापक के रूप में मुद्रा का प्रयोग विनिमय की क्रिया को सरल और सहज बना देता है और समय एवं बहुत सी कठिनाइयों से बचा देता है। मुद्रा के इस कार्य से विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के मध्य विनिमय अनुपात निश्चित करना सरल हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी की। इसमें सबसे पहला है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। इट मीन्स दैट मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग फ्यूचर पेमेंट्स। इट हैज़ मेड डिफर्ड पेमेंट्स मच ईजियर देन बिफोर। फॉर एग्जाम्पल, when we borrow money from somebody, we have to return both the principal as well as the interest amount in the future. Let us talk about the standard of deferred payments. Mudra sthagit bhuktanon ka maan hai. Bhuktan sthagit karne ka aashay yah hai ki mudra ke vartaman prayog se vanchit rehkar bhavishy mein uska prayog karne ko taiyar rehna. Aksar len den, बचत एवं विनिमय संबंधी सभी क्रियाओं में वर्तमान भुगतान को स्थगित करना पड़ता है और आधुनिक औद्योगिक एवं व्यापारिक जगत में तो अधिकांश लेन देन उधार में ही होते हैं। अन्य वस्तुओं की तुलना में मुद्रा में टिकाऊपन अधिक होता है और मूल्य में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होता है। इस कारण मुद्रा भविष्य में होने वाले भुगतानों में आसानी से स्वीकार की जाती है, अतः मुद्रा स्थगित भुगतानों का मान बन जाती है। आधुनिक युग में मुद्रा के इस कार्य का बहुत महत्व है और मुद्रा का यह कार्य आधुनिक उद्योग तथा व्यापार के विकास की आधारशिला है। कहा जाता है कि मुद्रा वह धुरी है जिस पर संपूर्ण आधुनिक व्यवसाय चलता है। यही नहीं, कभी कभी मुद्रा को आधुनिक व्यापार व्यवसाय का जीवन रक्त भी कहा जाता है। अब बात करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू की। A store of value implies a store of wealth. Money can be easily stored for future use. It is the most convenient and economical means to store earnings and wealth. मुद्रा के मूल्य तथा क्रय शक्ति के संचय के रूप में कार्य का विशेष महत्व है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के रूप में मूल्य संचय के साधन का अभाव था, जिससे मनुष्य केवल अपने वर्तमान उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करता था। यद्यपि वह अधिक उत्पादन करने में समर्थ था, किंतु अतिरिक्त उत्पादन का संचय करने में उसे बड़ी कठिनाई थी। मुद्रा ने मूल्य को संचय को संभव बनाकर वस्तु विनिमय की कठिनाई को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं को लंबे समय तक संचित नहीं किया जा सकता है, जबकि मुद्रा को दीर्घकाल तक क्रय शक्ति के रूप में संचित किया जा सकता है और यह संचय भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। मुद्रा का प्रयोग भविष्य में वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अर्थात उसे तत्काल व्यय न करके कुछ समय तक रोक लिया जाता है। ऐसी दशा में मुद्रा मूल्य के संचय का कार्य करती है। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी ऑल्सो सर्व्स फॉर ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज। इट फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक कंट्री बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि मुद्रा लेखे की मुद्रा का कार्य करती है, अतः मुद्रा के द्वारा मूल्य का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलतापूर्वक किया जा सकता है। मुद्रा के प्रयोग से विनिमय की क्रियाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस कार्य द्वारा मुद्रा ने व्यापारिक प्रगति के द्वार खोल दिए। आधुनिक काल में साख मुद्रा, बैंकिंग और यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप क्रय शक्ति का दूर दूर तक हस्तांतरण करना बहुत सुगम हो गया है। इसकी सुगमता को यूं समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति का एक मकान भोपाल में है और वह अपनी संपत्ति को इलाहाबाद में स्थानांतरित करना चाहता है, तो वह भोपाल के तो वह भोपाल में मकान को बेचकर इलाहाबाद में एक अच्छा और नया मकान खरीद सकता है। वस्तु विनिमय काल में यह कार्य असंभव था। इस प्रकार मुद्रा मूल्य को स्थानांतरित करने में सहायता करती है। अब हम बात करते हैं कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी।
नंबर वन, इट इज़ अ बेसिस ऑफ क्रेडिट। मुद्रा में साख सम्मिलित है और साख का निर्माण नकदी के आधार पर किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक नकद जमा के आधार पर ही साख का सृजन करते हैं। जितना अधिक नकद जमा होगा उतनी ही साख गुणक कार्यशील होकर साख सृजन करेगा। इस प्रकार आधुनिक अर्थव्यवस्था में साख के आधार के रूप में मुद्रा अत्यंत मौलिक कार्य का संचालन करती है। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। आधुनिक उत्पादन पद्धति एक जटिल प्रक्रिया है। आज सभी वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर और सामूहिक रूप से किया जाता है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण इतने व्यापक हो गए हैं कि साधारण वस्तुओं का उत्पादन भी अनेक व्यक्तियों के सहयोग का फल है और उत्पादित वस्तु पर सभी साधनों का सम्मिलित अधिकार होता है। यहाँ यह समस्या है कि उत्पादन में हाथ बटाने वाले समस्त व्यक्तियों में सामाजिक आय का वितरण किस प्रकार किया जाए। थर्ड इज लिक्विडेशन ऑफ वेल्थ, यानी पूजा को तरलता प्रदान करना। आधुनिक युग में पूजी तथा संपत्ति सामान्यतः मुद्रा के रूप में रखी जाती है। यद्यपि पूजी कई प्रकार की होती है किंतु मुद्रा पूजी की तरलतम रूप है, क्योंकि मुद्रा सबसे तरल होती है तथा आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाई और ले जाई जा सकती है। अतएव यह किसी उद्योग में बिना किसी कठिनाई के विनियोजित की जा सकती है तथा निकाली जा सकती है। वास्तव में तरल रूप में पूंजी की गतिशीलता बढ़ जाती है और वह उत्पादन केंद्रों पर पहुंचाई जा सकती है। यदि पूंजी भूमि, इमारत, मशीन आदि ठोस तथा स्थूल रूप में हो तो उनका स्थानांतरण असंभव है, परंतु ठोस तथा स्थूल पूंजी को मुद्रा में परिवर्तित करके उसे तरल बनाया जा सकता है। उसके बाद उसे इच्छा अनुसार लाभप्रद क्षेत्रों में विनियोजित किया जा सकता है। लास्ट है हमारा बेसिस ऑफ इक्वलाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी सीमांत उपयोगिता एवं सीमांत उत्पादकता को त्याग के तुल्य करना। प्रत्येक उपभोक्ता अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का यत्न करता है। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त होती है जब वह विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे ताकि उसे प्राप्त होने वाली सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं समान हों। इन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं को समान करने में मुद्रा महत्वपूर्ण कार्य करती है, क्योंकि सभी वस्तुओं की कीमतें मुद्रा के ही पदों में दी जाती हैं। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक उत्पादक अपने व्यवसाय में अधिकतम उत्पत्ति प्राप्त करना चाहता है। अधिकतम उत्पत्ति प्राप्त करने के लिए वह साधनों का उपयोग इस प्रकार करता है ताकि सभी साधनों का सीमांत उत्पादकताएं समान हो, क्योंकि सभी साधनों की सीमांत उत्पादकताएं मुद्रा में ही मापी जाती हैं। अतः सीमांत उत्पादकताओं को समान करने में मुद्रा महत्वपूर्ण कार्य करती है। उपयुक्त विवरण से मुद्रा के प्रमुख कार्यों का परिचय मिलता है तथा मुद्रा के प्रथम चार कार्यों का अर्थात विनिमय का माध्यम, मूल्यमान, मूल्य का संचय तथा स्थगित भुगतान के मान का महत्व अधिक माना जाता है। इसलिए निम्नलिखित पद भी चलन में है। मनीज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड एंड अ स्टोर। आज के लेक्चर को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर से आपको काफ़ी सहायता मिली होगी। धन्यवाद।